स्प्लिट एसी बंद करने के बाद भी, जब रिमोट से हम बंद कर देते हैं स्प्लिट एसी को, उसके बाद भी इंडोर का ब्लोअर चलता रहता है। कुछ हमारे दोस्त का ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है जो कि उन्होंने फेस किया है और उन्होंने मुझसे पूछा है क्या ये पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है। ये हो सकता है ऐसा कि एसी रिमोट से बंद करने के बाद भी ब्लोअर चल रहा हो, लेकिन अगर एसी को एमसीबी से हम बंद कर देते हैं तो ब्लोअर नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ब्लोअर चलने का अगर एमसीबी से बंद कर दिया जाए तो, लेकिन रिमोट से बंद करने के बाद हो सकता है कि ब्लोअर चल रहा हो, ये फॉल्ट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है इसे हम स्टेप बाय स्टेप छोटे से वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करूँगा, छोटे से वीडियो में हम इसे समझ लेंगे कि आखिर फॉल्ट क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से एसी बंद करने के बाद भी ब्लोअर चलता है। एक तो होता है कि ब्लोअर चल रहा है, नॉन इन्वर्टर हो या फिर इन्वर्टर हो, अगर ब्लोअर चल रहा है तो ये फॉल्ट है। लेकिन कुछ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ऑटो क्लीन का ऑप्शन दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जब हम ऑटो क्लीन ऑप्शन पर लगा देते हैं तो ब्लोअर कितनी देर तक चलता है, 20 से 25 मिनट के आसपास में ब्लोअर चलता है। जिससे क्या होता है कि ऑटो क्लीन ऑप्शन पर जब हम लगाते हैं तो उसमें जितनी नमी होती है, जितना मॉइस्चर होता है, आइस जमा रहता है कूलिंग कॉइल पे, वो सब कुछ पूरा ड्राई कर देता है, सुखा देता है पूरा। इसके वजह से ऑटो क्लीन का ऑप्शन दिया जाता है और एसी बंद करने के बाद भी 25 मिनट तक उसका ब्लोअर चलता है। लेकिन अगर 25 मिनट से ज़्यादा ऑटो क्लीन ऑप्शन पे नहीं है, फिर भी ब्लोअर चल रहा है और लगातार चल रहा है, रिमोट से बंद करने के बाद भी, रिमोट से बंद कर देंगे आउटडोर बंद हो जाएगा लेकिन इनडोर का ब्लोअर चलता रहेगा, रीज़न क्या होता है? तो हम बात करते हैं रीज़न। इसमें सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे होता है ना, जैसे एग्जांपल में मैं बताना चाहूँगा कि रिमोट से बंद करने के बाद भी आउटडोर चलता रहता है, आउटडोर का कंप्रेसर जो है ना, कंप्रेसर बंद नहीं होता है, चलता रहता है। आखिर रीज़न क्या है उसमें? क्योंकि उसमें उसका रिले जो होता है, रिले डायरेक्ट हो जाता है, और जब रिले डायरेक्ट हो जाएगा ना तो आउटडोर का जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा कंप्रेसर। अब वो फिर स्टार्ट कब होगा? जब थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा होगा कंप्रेसर, ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई उसमें ऑलरेडी पहले से है, सप्लाई 220 का करंट है उसमें, कॉमन में, रनिंग में, उसमें सप्लाई है पहले से ही, क्योंकि रिले तो बंद हुआ नहीं है। तो जब जब कंप्रेसर ठंडा होगा ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, फिर हीटअप होकर के बंद हो जाएगा। क्योंकि इनडोर में क्या है कि इनडोर में तो रिमोट से बंद है एसी, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस यही है, इसमें भी रिले लगा होता है। जो इनडोर का जो ब्लोअर चलता है ना, उसके लिए भी रिले लगा होता है, रिले से वो कंट्रोल किया जाता है, जैसे हाई मीडियम लो के लिए कंट्रोल किया जाता है। अगर मानिए कि अगर आपका इन्वर्टर एसी है, तो इन्वर्टर एसी में भी प्रॉब्लम पीसीबी में ही है, मेरे कहने का मतलब पीसीबी फाल्टी है, उसकी वजह से मोटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मोटर का जो सप्लाई है वो डायरेक्ट हो गया है। अगर ऐसा हो रहा है कि मानिए कि रिमोट से बंद कर दिए, उसके बाद भी अगर चल रहा है ब्लोअर, तो फिर समझ लीजिए कि पीसीबी में ही फॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि मोटर में फॉल्ट है, मोटर में कैसे फॉल्ट हो, मोटर में फॉल्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट चल रहा है ब्लोअर मोटर, तो मोटर में फॉल्ट नहीं है, मोटर तो चल रहा है, अपना काम कर रहा है मोटर, मोटर का काम है सिर्फ चलना। अब हाई मीडियम लो ये तो उसके ऊपर डिपेंड है, पीसीबी के ऊपर, लेकिन चल रहा है मतलब मोटर ख़राब नहीं है। अगर डायरेक्ट चल रहा है तो पीसीबी में फॉल्ट है, अगर मोटर नहीं चल रहा है तब हम चेक करेंगे कि पीसीबी में फॉल्ट है या फिर मोटर में फॉल्ट है। उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। डीसी जो डीसी मोटर होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में, उसे कैसे चेक किया जाता है, नॉन इन्वर्टर का होता है उसे भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे चेक किया जाता है, उस वीडियो को देखिए और सीखिए, तब आपके समझ में आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि अगर डायरेक्ट चल रहा है तो पीसीबी आप निकाल करके रिपेयर कराएं, पीसीबी डायरेक्ट हो गया है,
और उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कि डायरेक्ट चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर ख़राब है या फिर क्या, पीसीबी ख़राब होता है जिसकी वजह से डायरेक्ट हो गया है। अब उसे चेक करने के लिए कि पीसीबी में फॉल्ट है, चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका है। चेक कैसे किया जाता है, अब टेस्टिंग में बता रहा हूँ। अगर मोटर डायरेक्ट चल रहा है, रिमोट से आप बंद कर दिए, फिर भी अगर डायरेक्ट चल रहा है ब्लोअर मोटर, तो आप सिंपल सा ब्लोअर मोटर चलने दीजिए, आप डायरेक्ट एमसीबी सिलेंडर बंद करिए। एमसीबी से अगर क्लोज होने के बाद मोटर बंद हो गया, पीसीबी बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है बंद हो ही जाएगा और दूसरा कोई सवाल ही नहीं है उसमें, बंद हो जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो अगर बंद हो गया तो फिर समझ लीजिए कि आपका पीसीबी ख़राब है, पीसीबी निकाल करके रिपेयर कराइए, सिंपल सा वापस से लगा दीजिए, वापस से काम करने लगेगा जैसे पहले काम करता था। रिमोट से बंद करेंगे, रिमोट से बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा।